हेयर लॉस की प्रॉब्लम कुछ पिछले 2-3 साल से है, और उससे मुझे रिज़ल्ट तो मिला बट उतना जो मेरे को रिज़ल्ट चाहिए था वो नहीं मिला। जो ऑलरेडी हेयर लॉस हो चुका था वो तो वापस आया नहीं। 3,000 से 3,500 ग्राफ्ट के बीच में मेरे को लगेंगे। ये जो मेरा इम्प्लांट हुआ है इनको मेंटेन करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस बताए गए हैं। फाइनली मैं कहना चाहूँगा कि ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा QHT के साथ में बहुत अच्छा रहा। और ऋषिकेश का रहने वाला हूँ, और मेरे को ये हेयर लॉस की प्रॉब्लम कुछ पिछले 2-3 साल से है। 2-3 साल में कुछ ज़्यादा ही हुआ है, और इसके लिए मैंने पहले काफ़ी चीज़ें की, जैसे होम रेमेडीज़ लगाई हैं, और मैंने काफ़ी देखा था ऑनलाइन कि क्या क्या करना है, मतलब जो घरेलू मेडिसिन थी वो मैंने यूज़ की, पर उससे मुझे कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला। और ये लास्ट 1 ईयर में जब मेरा हेयरफॉल कुछ ज़्यादा ही स्टार्ट हो गया, सो उसके बाद फिर मैंने फिर डिसीजन लिया कि मेरे को अभी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाना है। तो जो मेरे को ये हेयर लॉस जो मेजरली हुआ है ये इन्वायरमेंट चेंजेस की वजह से हुआ है, जिसके लिए फिर मैंने बीच में होम रेमेडीज़ भी यूज़ करी, मिनी ऑक्सीडिल यूज़ किया, और उससे मुझे रिज़ल्ट तो मिला बट उतना जो मेरे को रिज़ल्ट चाहिए था वो नहीं मिला। जो ऑलरेडी हेयर लॉस हो चुका था वो तो वापस आया नहीं, बाकी जो था उसमें ही मेरे को थोड़ा सा हेयर लॉस कम हुआ है। उसके बाद फिर मैंने 8 से 9 महीने के लिए सब चीज़ें यूज़ करने के बाद फिर नहीं हो पाया मेरे को, काम के साथ साथ मैं इसको मतलब इसको केयर नहीं कर पाया। उसके बाद फिर मैंने इसका हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मैंने फिर सर्च किया, फिर मेरे को QHT के बारे में पता चला। सो मैंने फिर ऑनलाइन इसमें यूट्यूब में देखा QHT के बारे में, कैसा उसका रिज़ल्ट है, कैसा रिस्पांस है जो यहाँ पे पेशेंट ने जिन्होंने पहले यहाँ पे कराया है। सो उसके बाद ही फिर मैंने चूज़ किया कि हाँ QHT से मैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाऊँगा। मैं यहाँ पर फिर जब आया था मैंने यहाँ पर कंसल्ट किया था पहले डॉक्टर से, और मैंने उनको पूछा रिगार्डिंग ग्राफ्ट, मेरे कितने ग्राफ्ट लगेंगे। तो ग्राफ्ट के बारे में जो मुझे बताया है 3,000 से 3,500 ग्राफ्ट के बीच में मेरे को लगेंगे। और मैंने बाकी और जो कंसल्टेंट करना था मैंने डॉक्टर से पूछा इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इसके बारे में इसका रिज़ल्ट कैसा रहेगा, वो सारी चीज़ें मैंने कंसल्ट की हैं। तो अभी आज मैं QHT क्लिनिक में हूँ, और मेरा जैसे कि जो मेरे प्री सर्जरी जो भी डॉक्यूमेंटेशन होना है, जो भी डिटेल्स फिल करनी है, वो सब चीज़ें हो चुकी हैं। मेरे फ़ोटोग्राफ्स ले लिए गए हैं, और फोटोग्राफ सेशन कंप्लीट होने के बाद अभी हम डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। उसके बाद फिर डॉक्टर्स बताएंगे एग्जैक्टली हेयरलाइन डिज़ाइन करेंगे, फिर देखते हैं सर्जरी में कैसा होता है। सर्जरी में मैं कुछ मतलब ऐसे जैसे हमने वीडियोज़ में देखा है इतना पेन तो नहीं होता है, लेट्स सी। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।
सर्जरी के बाद मेरी सर्जरी हो चुकी है और ओवरऑल जो सर्जरी का मेरा एक्सपीरियंस रहा वो बहुत अच्छा था और मेरे टोटल 3,800 ग्राफ्ट लगे हैं और बाकी ओवरऑल स्टाफ का कोऑपरेशन बहुत अच्छा था, स्टाफ काफ़ी हाइजीन था सब चीज़ों में और मीन्स ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा और इतना ज़्यादा मेरे को मतलब जितना मैं पेन एक्सपेक्ट कर रहा था उतना नहीं हुआ। ये जो मेरा इम्प्लांट हुआ है इनको मेंटेन करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस बताए गए हैं और जिनमें मेरे को पॉल्यूशन से बचना है और मेरे को कुछ मेडिसिन दी हुई हैं जिनको टाइम पर लेना है और कुछ स्प्रे दिए हुए हैं जिनको हर 2 घंटे में मुझे स्प्रे करना है जिस पोर्शन पे मेरा इम्प्लांट हुआ है। तो फाइनली मैं कहना चाहूँगा कि ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा QST के साथ में बहुत अच्छा रहा और मैं यही कहूँगा कि जो भी हेयर ट्रांसप्लांट जो भी हेयर लॉस को फेस कर रहे हैं वो एक बार इसको करा के देखें और QST के साथ अपने एक्सपीरियंस एक बार करके देखें। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो भी ये प्लान कर रहा है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए वो QST में एक बार आके देखें, QST से कराएं। सो ओवरऑल जैसा मेरा जर्नी रहा मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, सो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप QST में आएँ और अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाएँ। तो अभी मैं मिलता हूँ आपको मेरे फर्स्ट PRP सेशन के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू QST। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।